कि आज गौर करे इस सवाल पर, आओ कि आज गौर करे इस सवाल पर, देखे थे अपने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बड़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, दौलत बड़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए। सामईन दिलकार, आज मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है, इंसान इसमें लगकर अपने आप को तरक्की याफ्ता कहता है और वो समझता है कि सबसे अक्लमंद वही है। मोबाइल की वजह से तालीम और सेहत का जो नुकसान हो रहा है, बेहयाइयाँ जो आम हो रही हैं, फखाशियाँ जो फैल रही हैं, इसके तदारुक की कोई सूरत बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है। तो आइए हम इसी उन्वान से एक मुकालमा पेश करते हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि मोबाइल को कब, कितना और कैसे इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नुकसानात क्या है। मैं इसके लिए मदऊ कर रहा हूँ मोहम्मद नुमान मुतअल्लिम दर्जा पंजुम को, कि अपने साथियों के साथ आए और मुकालमा पेश करें। मौसूफ अपने साथियों के साथ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई, इतनी ठंड में सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है, बस वैसे ही चौराहे तक जा रहा हूँ। अच्छा, लगता है घर में चाय नहीं बनी है, चाय पीने जा रहे हो? नहीं, वैसे भी मैं चाय का आदी नहीं हूँ। तो फिर लगता है घर में राशन खत्म हो गया है, उसको लाने जा रहे हो? बेगम ने कुछ ज़्यादा कह कर तो नहीं गर्मा दिया जिसकी वजह से ठंड नहीं लग रही है और भागे चले जा रहे हो? अरे यार, तुम तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो और उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। माशा अल्लाह, मेरी बेगम बहुत नेक है, वो कभी भी मुझे कुछ नहीं कहती, उनके सिलसिले में मुझे कुछ मत कहना वरना। अच्छा छोड़ो, फिर बताओ इतनी सुबह चौराहे पर क्या करने जा रहे हो? लगता है तुम बगैर सच्चाई जाने चुप नहीं रहोगे, तो सुनो, मैं मोबाइल रिचार्ज कराने जा रहा हूँ। रात से नेट खत्म हो गया, सुबह सोकर उठा तो सोचा कि व्हाट्सएप चेक करूँ, तो देखा कि नेट का सिग्नल ही नहीं आ रहा। चेक किया तो पता चला कि वैलिडिटी खत्म हो गई। अब बताओ कि मेरे 2 घंटे कैसे गुजरे होंगे। आप तो जानते ही होंगे कि बगैर नेट के इंसान का वक्त गुजारना कितना मुश्किल होता है। ओ, मोबाइल की नेट की गर्मी ने आपको ठंड बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया, अब समझ में आया। वैसे आप रोजाना मोबाइल पर कितना वक्त लगाते होंगे? वैसे हिसाब तो नहीं लगाया, बस इतना समझ ले कि जब सोता हूँ तो मोबाइल नहीं चलाता, बाकी औकात में तो देखता ही रहता हूँ। कभी टिकटॉक, कभी यूट्यूब, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम और आजकल थोड़ा वक्त ट्विटर पर भी दे रहा हूँ ताकि दुनिया की हालत से बाखबर रहूं। वैसे इतना आप भी तो देखते होंगे, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने ऊपर मुझे भी क्यास कर लेते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मैं ना तो नेट चलाता हूँ और ना नेट वाला मेरे पास मोबाइल है। अल्लाह का शुक्र है किसके दिए हुए कीमती औकात को फजूल चीज़ों पर नहीं बल्कि अपने बाल बच्चों की तरबियत और उनकी तालीम पर खर्च करता हूँ। वक्त वक्त से नमाज और जिक्र अज़कार मशगूल रहता हूँ। इसका मतलब आप दुनिया की खबर नहीं रखते? अरे आज का इंसान दुनिया की खबर रखे बगैर अंधा बहरा है, लोग उसको पागल समझते हैं, मुआशरे में उसकी कोई कदर कीमत नहीं, सियासत से उसको कोरा समझा जाता है। इसलिए आप अपने पुराने हालात को बदलें और नए ज़माने और इसकी नई टेक्नोलॉजी से लुत्फ़ उठाएं। इसका मतलब
आप भी हमें इस शैतानी जाल में फंसने की तलकीन कर रहे हैं? अरे मोबाइल को आप शैतानी जाल कह रहे हैं? ये तो इस वक्त की बहुत ही अहम ज़रूरत है। इंसान इसके ज़रिए दुनिया भर में बसने वाले इंसानों से ऐसा मरबूत है गोया वो बिल्कुल करीब मौजूद हो, हालात से ऐसा बाखबर होता है गोया उसको बैठ कर देख रहा हो, पैसों का लेन देन ऐसा कर लेता है गोया बैंक इसके घर में मौजूद हो, तालीम के मुश्किल सवालात को पल भर में हल कर लेता है गोया इस एक मोबाइल से बेक वक्त बहुत सारे फवाद मुगैद है। अगर आज इंसान के पास मोबाइल नहीं तो कुछ भी नहीं। गरीब से गरीब के घर में दो चार मोबाइल है, वैसे मुझे ही देखो, मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं, फिर भी मेरे घर में सात मोबाइल है। अम्मी का अलग, भाई का अलग, भाभी का अलग, दादी का अलग, चची का अलग, और हाँ बच्चों को बहलाने के लिए एक दो मोबाइल है, जब वो रोते हैं तब उनको वो देकर चुप कराया जाता है। अच्छा माशाअल्लाह, ऐसा लगता है कि आपका अगर मोबाइल का शोरूम है और आपने अपने बच्चों को भी मोबाइल से मरबूत कर दिया, और आप तो बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमारे घर पर बच्चों के लिए भी अलग से मोबाइल है। अरे आपकी इस बात पर मुझे बड़ा दुख हुआ, और फवाद तो आपने इतने गिनाए जैसे मोबाइल की इजाद से पहले लोग दुनिया में रहते ही ना थे। क्या आपने कभी इस मोबाइल के नुकसानात के बारे में भी सोचा है कि कितना खतरनाक है? मोबाइल से कुछ नुकसान भी होता है क्या? ऐसा लग रहा है आप मजाक कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल से होने वाले नुकसानात को जानना चाहते हैं तो सुनिए, मोबाइल फोन सेहत के लिए बहुत ही मुदिर है। इससे निकलने वाली शुआएं जैसे माइक्रोवियो रेडी, जिसे MWR कहते हैं, ये शुआएं बच्चों और मादरे शिकम में पल रहे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके मुदिर असरात से भेंगापन या बिल्कुल बिनाई के ख़त्म हो जाने का खदशा बढ़ता रहता है। सरतान, ब्लड प्रेशर, सर दर्द और नींद ना आने जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। मजीद ये कि अल्लाह की दी हुई एक कीमती नेमत वक्त, जिसके ज़िया का सबब बनता है, बच्चों के अंदर फोशगोई और बेहयाई को आम करता है, तालीम से दूर और फजूलियात की तरफ रागिब बनाता है। इसी मोबाइल की देन है कि आज पूरी पूरी रात बच्चे गली कूचे में बैठकर मोबाइल पर गेम और चैटिंग करते रहते हैं, और ना जाने कितने हादसात के शिकार हो रहे हैं। मोबाइल के गलत इस्तेमाल ही की वजह से कितने रिश्तों में दरार पैदा हो रही है, कितने घर उजड़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वालदैन की नाफरमानी और उनसे नफरत में इजाफा हो रहा है, आपसी उख़ुवत और मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है। लिहाजा इन तमाम नुकसानात के बाद मुझे यकीन है कि आपको मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल, खुसूसन बच्चों से इसे दूर रखना समझ में आ गया होगा, जबकि इसके नुकसानात की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसको बताने के लिए बहुत वक्त दरकार है। उम्मीद की अब मोबाइल से ख़ुद को और अपने बच्चों को भी दूर रखेंगे। अच्छा, मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों की आंखें कमज़ोर होती हैं। मेरे घर में भी दो बच्चे हैं, अभी से उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ गई, अब समझ में आया ये मोबाइल की वजह से होता है। वो लोग भी बहुत मोबाइल इस्तेमाल करते थे, अब उनको मोबाइल से बिल्कुल दूर रखूँगा। और तमाम वालिदैन से यही कहूँगा कि बच्चों को मोबाइल देकर खुश करने के बजाय उनकी सेहत और उनकी तालीम को मुकद्दम रखें, और अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो अपनी निगरानी में उनको मोबाइल इस्तेमाल करवाएं, वो भी बहुत मुख्तसर वक्त के लिए। इन तमाम बातों को सुनकर ये बात साफ हो गई कि मोबाइल फ़ोन आज के ज़माने के लिहाज से ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इसको ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल करना अक्लमंदी होगी, क्योंकि फवाद से ज़्यादा इसके नुकसानात भी हैं। इसलिए आइए हम तमाम लोग ये अहद करें कि मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल और खुसूसन छोटे बच्चों से दूर रखेंगे। उम्मीद की
तमाम लोग इस पर अमल करेंगे। अच्छा, अब इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।